हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले आप चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का। चैप्टर का नाम है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो चैप्टर का नाम जैसा है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। इसमें चैप्टर का नाम है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है, मतलब किसी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना। हमने कहां से सीखा था, छोटी क्लासों से, जब हम दो नंबर को कंपेयर करते थे, कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है, मीन्स लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर को हम कंपेयर करना सीखते थे। कंपेयर करने से हमने बहुत सी चीजें सीखी है, मींस असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रीसीडिंग ऑर्डर, मतलब प्रीसीडिंग नंबर एंड सक्सेसिव नंबर, ये डिफरेंट टाइप की। और हमने लार्ज नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर कौन सा, ये भी आइडेंटिफाई सीखा है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। वहां कंपेयरिंग नंबर था, यहाँ क्वांटिटीज है। दो क्वांटिटीज आ जाएगी, आपको कंपेयर करना होगा। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में देखो, क्लास 7 पर हमें मिलने क्या वाला है, दो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम मिल सकती है। जैसे कि हमारे पास कोई यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ की कौन सी यूनिट है, लेंथ की जैसे मैंने बोल दिया हमारे पास 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर के बराबर, 1000 मीटर। तो मैंने कह दिया एक क्वांटिटी ये होगी और दूसरी क्वांटिटी ये होगी, एक तरीके से एक ही है, बट ये मीटर वाली है, ये किलोमीटर वाली। कभी कभी हमसे अब पूछेगा हाउ मेनी मीटर इन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। अब देखो, जब हमारे पास किलोमीटर दे रखा है और मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या बोला मैंने, किलोमीटर दे रखा है और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1000, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 मीटर। कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, भली ना हो बट मैं आपको पहले बता देता हूँ इस टाइप से ये हो जाता है। ऐसी हमारा जब हमारे पास, जैसे कि मैंने बोल दिया 25 मीटर, मान लो 25 मीटर गिवन में है, तो इसे चेंज करना है किलोमीटर में, हाउ मेनी किलोमीटर इन 25 मीटर। तो किलोमीटर दे रखा है, अब देखो इधर ये दे रखा है हमें, मीटर दे रखा है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में हमारा डिवाइड होएगा। अगर किलोमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, तो ये हमारा 1000 से डिवाइड हो जाएगा एक तरीके से। जब 1000 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जितनी जीरो नीचे से हटती है, उतना पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड को आगे बढ़ जाता है, तो 520 पॉइंट इस टाइप से, तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। 25 मीटर इज इक्वल टू 0.025 किलोमीटर। इस टाइप से क्वांटिटीज को कंपेयर करना हमने सीख रखा पहले से। फिलहाल हम इस जो चैप्टर में देखेंगे, अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, ये लेंथ को भी लेकर है, मास मतलब भार को भी लेकर, जैसे केजी ग्राम में होता है, ऐसी लीटर मिलीलीटर में भी होता है। डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज है हमारे पास, लेंथ को लेकर, मास को लेकर एंड एक टाइम को लेकर भी। टाइम इज 24 डेज इज 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डेज, 1 डेज इज इक्वल टू 24 आवर्स। अगर 2 डेज के आवर पूछ ले तो 24 से मल्टीप्लाई। ऐसे हमने 24 डेज को हमने मंथ में कन्वर्ट करना, वो अलग बात है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है वहां जाके हमारे पास, बट जिस केस की हमारे पास इस चैप्टर में होगी उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा पहला टॉपिक क्या है इसमें, रेशो। आपको रेशो समझना चाहिए, आपने जैसे फ्रैक्शन देखा था उसी टाइप का हमारा रेशो होता है। फ्रैक्शन क्या होती है, तीन फ्रैक्शन होती थी हमारे, जैसे मैंने लिख दिया 1/3, तो एक तरीके की फ्रैक्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, एक तरीके की फ्रैक्शन है। इसका हमारा डायग्राम अगर बनाना हो तो हमारे तीन पार्ट बनेंगे इस सर्कल के, तीन पार्ट बना देते हैं, तीन पार्ट, ऊपर कितना है तो एक फिलअप कर देंगे और टोटल कितने हैं, तीन। इस टाइप की हमारी फ्रैक्शन थी इस डायग्राम की, मतलब वन यूज हो गया एंड पार्ट कितने थे, थ्री, तो 1/3 पार्ट हमारा यूज हो चुका है इस डायग्राम का। इस टाइप से हमने सीखा है क्लास 6 में। अब यहाँ देखते हैं, वैसे तो क्लास 7 में भी था फ्रैक्शन चैप्टर, आपको समझाया वहां जाके। अब हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, अब रेशो को लेकर है, रेशो समझा देते हैं। सबसे पहले आपको रेशो भी एक तरीका फ्रैक्शन ही है, क्या बोला मैंने, फ्रैक्शन ही है रेशो भी। हमारा टॉपिक है हमारा रेशो। आर रेशो इज एन ऑर्डर, और मैं ये समझा क्यों रहा हूँ आपको, मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं करा रहा हूँ, ये तो मैं भूल ही गया बताना। तो ये जो हमारी वीडियो है, ये क्लास 7 की है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर की है, सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन को लेकर है। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे जिससे आपको एक्सरसाइज ईजी हो जाए, पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं उसके बाद देन एक्सरसाइज। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए इसका। तो इंट्रोडक्शन में हमारा पहले मैंने लिखा है रेशो, प्रेपरेशन एंड कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग किसकी, फ्रैक्शन टू परसेंट, डेसिमल टू परसेंट एंड परसेंट टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो होने वाली है, इसके बाद हम सेकंड भी रखेंगे आपके लिए, ताकि इसमें हमारा पूरा कवर नहीं हो पाएगा, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो ज़्यादा ज़्यादा हम कम
वीडियो में हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे, आपके लिए लॉन्ग नहीं बनाएंगे, थोड़ा स्पीड में बोलेंगे बट आप समझने की कोशिश करना। तो देखो इसमें हमारा रेशो है, और रेशो इज एन ऑर्डर पेयर, एक तरह का पेयर होता है, ऑर्डर पेयर होता है, और नंबर कैसा जिसको ए अपॉन बी के रूप में हम लिख सकते हैं, बट बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मीन्स रेशो क्या होता है, जैसे 2/3, ये एक तरह का रेशो है, बस इसको मान के चलो, ये ए अपॉन बी की फॉर्म में है और इसका बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ही होता है हमारा रेशो। मतलब दो क्वांटिटीज देखो आप रेशो में कैसे कह सकता हूं, जैसे कि हमारे पास टू बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है, तो हमारा अब बोलेगा ये हमारा 3 गर्ल्स है, हमारे पास 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का हमारा रेशो देना है, तो जो सबसे आगे है 2/3 हो जाएगा, ये इसका हो गया हमारा रेशो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो, रेशो ऑफ लिख सकते हैं हम, रेशो रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2/3, जो अकॉर्डिंग टू पहला है बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स का नीचे बाद वाला नीचे डलता है डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला न्यूमरेटर माना जाता है जो पहले रहता है, इस टाइप से हमारा रेशो लिखा जाता है। अब देखो प्रोपोरेशन क्या होता है, प्रोपोर्शन भी पढ़ सकते हैं, कोई कोई प्रोपोरेशन भी पढ़ता है इसको, होता है क्या, अब प्रोपोरेशन इज एन इक्वेशन, एक तरीके की इक्वेशन है, एक तरीके की इक्वेशन किस टाइप की, विच टू रेशो आर सेट इक्वल टू ईच अदर, उसने बोला हमारे पास जब दो रेशो, अब देखो रेशो का सिंबल देख लो आप, रेशो का सिंबल होता है हमारे पास, सिंबल होता है रेशो का हमारा ये वाला, सिंबल हमारा रेशो का ये होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2:3 फाइनल, इस टाइप से हम लिखेंगे, रेशो का सिंबल है। अब प्रोपोरेशन पढ़ रहे हैं, अब कहने का मतलब रेशो से ही निकला है, ये भी रेशो से ही निकला है, क्या बोल रहा है, रेशो क्या बोलना चाह रहा है, जब दो रेशो मतलब दो क्वांटिटीज से मिलकर हमारा रेशो बन जाता है, मींस क्वांटिटीज बॉयज था एंड गर्ल्स था, ये दो क्वांटिटीज है, अलग अलग क्वांटिटीज है, तो हमने इसका रेशो बना दिया। अब इसमें हमारी दो रेशो आ गया, तो दो रेशो जब इक्वल होते हैं आपस में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1:2 और अगला भी इसी का आंसर आ रहा है 1:2, तो ये मैंने इक्वल बोल दिया, इक्वल हो सकते हैं, तो जब इक्वल होते हैं दो रेशो हमारे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1:2, प्रोपोरेशन का सिंबल हमारे ये होते हैं 1:2, तो इस टाइप से, बस ज्यादा कुछ खास नहीं, जब प्रॉब्लम आएगी आपको समझाने की कोशिश करेंगे प्रोपोरेशन है कि नहीं है, आगे देखेंगे। फिलहाल आपको डेफिनेशन, आप प्रोपोरेशन इक्वेशन, एक तरीके की इक्वेशन है विच टू रेशो आर सेट इक्वल टू इच अदर, एक दूसरे के इक्वल होते हैं सेट जो भी होते हैं हमारे पास उस इक्वेशन में प्रोपोरेशन की। अब बस इतना ही पार्ट था हमारे रेशो एंड प्रोपोरेशन, आप समझ गए होंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चल रही है तो दो अलग अलग क्वांटिटीज आएगी इसमें, दो अलग अलग क्वांटिटीज जब आपस में बराबर रेशो बराबर हो जाते हैं तो वो हमारा प्रोपोरेशन में होता है सेट, तो इरेज कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहना चाहे। तो देखो अब आता है मेन पार्ट जो हमारा एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, जहां तक मेरे को लगता है, क्या है, कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग किसकी, जैसे कि मैंने अभी कन्वर्ट करना सिखाया था, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब अगर 2 किलोमीटर हुआ तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं सिखा चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लास की वीडियो में, मीन्स 6 में भी सिखाया है और 7th के जो हमारे फ्रैक्शन भी आया और डिफरेंट टाइप के चैप्टर है, मैंने वहाँ बहुत कुछ बताया इसके बारे में। फिलहाल हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चले हैं, कन्वर्ट किसका सीखेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंट। अब देखो परसेंट, परसेंट क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया है परसेंट का सिंबल है, बट ये एग्जैक्टली होता है क्या, परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट मतलब पर 100 परसेंट होता है, तो ध्यान से आप देखना, अब कोई दिक्कत नहीं, परसेंट का सिंबल मैंने आपको बताया है, हमने फ्रैक्शन टू परसेंट बनाना है, फ्रैक्शन टू परसेंट, तो एक फ्रैक्शन लिखेंगे सबसे पहले, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास 2/3 हो जाएगी फ्रैक्शन, यस या नो, तो फ्रैक्शन जो है मैंने 2/3 लिख दिया आपके लिए, पहले मैं इसको सिखा रहा हूँ फ्रैक्शन टू परसेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू परसेंट, परसेंट का सिंबल बना देते हैं, कन्वर्ट करना है परसेंट में, कुछ नहीं करना आपको, देखो 2/3 को ऐसे लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से, बस मल्टीप्लाई आपको 100 से कर देना, जो भी आंसर आया वो हमारा परसेंट हो जाएगा। अब फिलहाल तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रैक्शन ही बनेगी, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना परसेंट में, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ फिलहाल, जैसे 2/5 को मैंने परसेंट में चेंज करना है, तो 5 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा ना, 5
20 जा जाएगा 100, तो आंसर आ गया मेरे पास 2 × 20, तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 40, तो इसका आंसर 40%, मतलब 2/5 को जब मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा 40% आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, तो 100 से जब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी हमारा परसेंट में आंसर होगा। फाइनल सा हमारा ये क्वेश्चन था, सिंपल सा इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी एक्सरसाइज फर्स्ट में या सेकंड में। देखते हैं अपना सेकंड, डेसिमल टू परसेंट। अब हमारे पास कोई डेसिमल डिजिट है, मैंने क्या कहा कोई डेसिमल डिजिट है, डेसिमल डिजिट लिख देते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना चाहे। डेसिमल डिजिट कोई भी लिख देते हैं हम आपके लिए, जैसे कि मैंने लिख दी 0.25, इस टाइप से मैंने लिख दी। कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट इन परसेंट, इसको ही परसेंट में। आपको बिल्कुल जैसे वहां बताया था फ्रैक्शन में हमने 100 से मल्टीप्लाई करी थी, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करनी, तो 0.25 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अगर आपको ऐसे इजी लगता तो ऐसे कर लेना, नहीं तो हम सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, इसको फ्रैक्शन बना लेंगे, तो 2 0 आ जाएगी, जब पॉइंट 2 के बाद है तो 2 0, तो 100 से हमारा 100 कैंसिल, तो फाइनल आंसर 25%। अब देखो जो मैं पहले मेथड कर रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, 0.25 लिखा था मैंने और मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई जैसे मैंने 100 लिखा था और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 25 00 25 00, और पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो 2 के बाद जब हम लगाएंगे तो एक परसेंट में आंसर, तो फाइनल आंसर 25, पॉइंट के बाद 00, तो फाइनल आंसर परसेंट। देखो दोनों आंसर मैच हो गए, आप कोई सा ही मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो अगर पहले डेसिमल है तो डेसिमल को फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन के बाद तो हमें आती है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो परसेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सर। ठीक है, बाकी अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, परसेंट टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब कोई चीज हमारे पास परसेंट है उसको डेसिमल एंड परसेंट में कन्वर्ट करना है, इरेज करने वाला हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो देखो अब हमारे पास आ गया है इसमें परसेंट टू, जैसे कि मेरे पास 20% है, 20% है और इसको फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो फिलहाल तो ये है, अब जब इस टाइप से लिखा हो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में या फ्रैक्शन में, सबसे पहले तो देख लो क्या होएगा। तो 20% का सिंबल हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई 1/100 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शनल है 20/100, सिंपल सा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक ही बात है ये चीज, एक ही बात है, इसको सॉल्व करके दे देता हूं, 0 से 0 कैंसिल, फाइनल आंसर 2/10 आ गया। और भी सॉल्व करेंगे इसको, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से जब कैंसिल होगा 2 1 2 ऊपर 1 2 1 2 एंड 2 5 10, तो ये तो होगी हमारा फ्रैक्शन, मतलब हमारे पास परसेंट था फ्रैक्शन में बना दिया। परसेंट को फ्रैक्शन में बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, परसेंट का सिंबल हटती नीचे 100 आ जाएगा, बस इतना सा खेल है। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको और ज्यादा सॉल्व कर दो बस, और ज्यादा जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगी 0 आ गया और 5 2 10, तो इस टाइप से हमारा पॉइंट में हो गया। तो इसी को जब हम ज्यादा सॉल्व करते हैं तो हमारा डेसिमल में आ जाता है, जब फ्रैक्शन ही सॉल्व होगी तो डेसिमल में आ जाएगा। तो इस टाइप से था हमारा परसेंट टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, पहले फ्रैक्शन आएगा उसके बाद डेसिमल आएगा। तो देखो जितनी हमारी समझाने की आपको कोशिश थी, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिलहाल हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्वांटिटीज को कंपेयर करना सीखे हैं, कंपेयर करना हमें पिछली क्लासों में सिखाया है, और इस क्लास में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इंट्रोडक्शन वीडियो में। बाकी आपके लिए सेकेंड इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ खास निकलेगा तो लाएंगे आपके लिए, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।